आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। बड़े फ्रेश लग रहे सर आज तो। पिचकारी मार दी यार। फैक्ट्री में मजदूर आ चुका है। जब देखो इसने पट दिखाता रहता है अपने। तो शूट करके आई है ना, तो मेरे को इरिटेट मत। बच्चे ने मेरा वेट नहीं किया शीला। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ जाना है? गगन। ओ कितना प्यारा बच्चा है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल LOL। मेरा शूट है आज और बच्चा अभी उठ के बाहर आया। मैं जाने लगी, आते ही कहता गगन। गगन मतलब नहाना है। हमने इसको उठते ही नहाने की आदत डाल दी, जो अच्छी बात है। बट जस्ट अभी उठा है तो अभी नहला नहीं सकते। 10-15 मिनट अभी इसका ध्यान भटकाएंगे, फिर इसको नहलाएंगे। हाँ, ये बस फैक्ट्री में मजदूर आ चुका है और इसकी मजदूरी चालू हो गई। मजदूरी उठ गई। गर्म पानी डालना है ना, गर्म पानी डाल लो फिर करने लाएंगे। गोले गोले गोले, मम्मा कहाँ जा रही है? मम्मा कहाँ जा रही है बता। बोलो शूटिंग कहाँ जा रही है बोलो। भाई डीट देखो, डीट अच्छा बच्चा ही है। गगन ठीक है, अभी गगन करवा देते ठीक है। चलो मम्मा जाए। बाय बाय बाय। तो चलिए जी, शूट पे आके रेडी हो गई हूँ, अब जाने लगी हूँ नीचे। आज मैं बता दूं कि आज हमारे डांस दीवाने में गोविंदा जी आए हैं और उनकी वाइफ आई है सुनीता जी। तो आज फुल मस्ती धमाल होने वाला है। चलिए चलते हैं सेट पे, छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं मटर के दो दानों से। ध्रुव बताओ, लोगों को लगता है कि तुम फोटोशॉप करके मुझे पतली बनाते हो। नो फोटोशॉप, कोई फोटोशॉप नहीं होता है। यस, मेरा पेट कमर मैं खुद की हूँ, वो ओरिजिनल। बस हाँ, थोड़ा मुंह कभी क्लीन कर देते, कभी लिपस्टिक यहाँ होती तो वो तो काम है भाई। लेकिन मैंने कभी अपना पेट बाजू कभी पतला नहीं होता है। पक्का ना? 100% यही चीज बोलने के लिए मैंने इसको 1000 रुपया दिया। नहीं नहीं भाई, हम नहीं करते है ना ध्रुव। यस मैम। हाँ, 1000 रुपया लेके लड़का जो झूठ बोलता है ना ध्रुव, वो है। क्या बातें कर रहे थे मेरी चुगलियां दोनों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तेरे तो की बात कर रहे थे। हैं? क्या बात है यार, बड़े अच्छे दिन होते हैं इसमें तो। ऊपर वाला खुद ताकत देता है आपको काम करने की। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रोज, जैसे रोजे आते तो रोज रोजे रखते हैं, बट ये ऊपर वाले की भाई कर्म है कि जो रखते हैं उनको ताकत भी वही देता है। क्यों दादा, क्यों चूरी? ओके, क्यों पाठक? मैंने तो रखा है। ये कहते मुझे मेरे बारे में पर्सनली कुछ कहो। कहिए अच्छा लगेगा। नहीं बस मैं कह रही इतनी गर्मी में भी जैकेट क्यों? 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ओ चाहे घमोरिया निकल आए लेकिन स्टाइल अपना रहेगा। कैसे दादा? नहीं पेट को पूछ रही हूँ कैसे। सो मैं आज इस तरह फर्स्ट टाइम आई हूँ, इधर सारे पेरेंट्स बैठे हुए और सबके तोते उड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि आज रिजल्ट है बच्चों का, 10th का, पास होंगे के फेल। पता नहीं, वो तो इतने खुश खा पी रहे हैं चिप्स हैं। और इधर देखो भाई, ये है अपनी रिश्तेदार। कैसी है दीदी? खम्बा घनी। तो गाइस आप जहाँ जहाँ से भी हैं, नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो वहाँ वहाँ से कुछ लेकर आना। तो गाइज यहाँ पे ना जब वॉशरूम भी जाना होता है ना तो एकदम देख के जाना पड़ता है कि एक्ट ना कोई मिस हो जाए या कुछ लिंक ना मुझे लेना हो, क्योंकि आप जाते हो ना तो 15-20 मिनट के लिए शूट रुक जाता है और फिर डिले हो जाता है। इसीलिए जब सब गए तब मैं गई। सो गाइज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। बच्चों को बोला गया था कि फर्स्ट एंट्री में पिचकारियां लेके आना और हमारे जो बेटी और पापा परफॉर्म करते हैं मुकेश जी बड़े हैं, आप इनको पिचकारी मारना आके सारे बच्चे। पिचकारी मार दी गई है। पिचकारी मन के सच्चे लेकिन इनको ये नहीं पता मेरा माथा भी कच्चा। बच्चों पिचकारी दी है उसमें पानी भर के मारना है, धक धक ऐसे थोड़ी मारनी है। हैप्पी होली। नहीं मुझे डर लग रहा है कि ये लंबा ना शो चले, कहीं दिवाली ना यहाँ आ जाए और लोग बोले मुकेश जी पे पटाखे चलाओ। मुझे मुकेश जी के बाल खड़े दिखेंगे। पिचकारी मार दी यार, ऐसे मार रही हूँ ढक। यार ये जब से चोबी जी आई है ना इतना ध्यान रखती है बच्चों का कि सब अपनी अपनी बातें लगे, लेकिन ये उनके साथ लगी हुई है। और सच में लगता है कि चोबी जी ना इनकी उम्र की है। भूखे पेट डकार मारते हुए लोग आ रहे हैं और इफ्तारी का टाइम हो गया है। हो गया मतलब, हाउ स्वीट यार। ये सब लोगों ने फटाफट, शूट भी चल रहा है इसीलिए इफ्तारी।
इफ्तारी का अलग ही मजा यार। सो स्वीट यार, मैंने इफ्तारी हो गई थी बट मैं गई, मुझे इफ्तारी करना इतना अच्छा लगता है सब लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग जिन्होंने रोज़ा रखा है काम कर रहे हैं यार, हैट्स ऑफ है उनको, ये ऊपर वाला ही ताकत दे रहा है सब। इफ्तारी भी इतनी टेस्टी लगती है यार, पता नहीं, वैसे पकौड़े अच्छे नहीं लगते मुझे, आज देखो कितने अच्छे लगे। चलिए अभी चलते हैं। रंग बरसे, दो लड़कियां, इतने लोग देख रहे हैं, कोई नहीं खेल रहा, बस यही खेल रही है, और ये लोग लड़कियां देख रहे हैं। देख तो कैसे सर मारा है। नहीं क्या, उधर मुंह था ना अभी। ये पता नहीं कौन है, शूटिंग में घुसे हुए थे। कौन है भाई? ए हेलो, ये तो अपना शूटिंग में चाय बनाता है ना, और ये मॉप मारता है फ्लोर पे। हेलो बेटा, तुझे इसको किसी ने कह दिया कि तू आज हैंडसम लग रहा है, तब से सुन लो। नहीं नहीं यार, ये बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। और सच्ची बोलू, दोनों हाथ एक साथ मिलाओ, एक्टिंग के मामले में बहुत बुरा हाल है तुम दोनों का। टिकटॉक ये हो। और सर बताइए कैसे हैं आप? डोंट गेट मी रॉन्ग, थोड़ी जल्दी में हूँ, एक और काम खत्म करना है। अरे आप बड़े फ्रेश लग रहे सर आज तो। क्या बात है मुकेश जी, नंबर वन भारती, बंद कर रहा हूँ बाद में आरती। मुकेश जी मैं आपको यही कहूँगी, मुकेश जी मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, चुप रहिए। नो डेट शिफ्ट, वन शिफ्ट। या तो मेरा बच्चा बुलाओ या अपना बच्चा घर भेजो। इतना प्यारा बच्चा ले आया अभी, मुझे नहीं वीडियो कॉल किया, रोया इसके लिए, इमीडिएटली आ गया, रुक रही नहीं था। और मम्मी कहाँ है? मम्मी ये रही। मम्मी, ओ सॉरी, हैं? पिछली बार तो कोई और नहीं मिलाई थी? नहीं यही थी। पिछली बार तो लंबे बाल वाले कोई और थी, कोई और थी। बहन आ जाओ, मैं तुम्हें सच बताऊंगी, मुझे फोन करना। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा कितने पानी में है मैं बताऊंगी, फोन करी मुझे रात को। One hour later. क्या है भाई, नाड़ा है? ये क्या है? नाड़ा। अरे नाड़ा है तो क्या हो गया? जब देखो इसने पट दिखाता रहता है अपने। तो भाई पहुंच गया। अरे कैसा है लड़का ना? बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा एकदम कट्टू कट। यार मैं मान गई अम्मा को, हर्ष है ना? मैंने तो पूल पार्टी की नहीं बट हर्ष ने की है यार। अम्मा अम्मा मजे आ रहे कि नहीं? अम्मा के साथ पूल पार्टी की, अम्मा सौरभ सब लोग, जब हम गोवा गए थे ये लोग पानी में घुस गए थे, मैं सो रही थी यार। क्या उम्र होगी अम्मा की? अम्मा की उम्र है अप्रोक्सीमेटली 80-78। क्या बात कर रहे हो? आई थिंक मतलब उसके आसपास ही। हम तो दोस्तों होंगे भी नहीं, तब तक तो व्लॉग भी नहीं होंगे हमारे, ना हम होंगे। अच्छा तू ऐसे ही अपशगुन बात कर, मैं तो जीऊंगा सोसा। यार बीवी काम से आई है और कहता तू ऐसी अपशकुन बात कर। अपशकुन, अपशगुन, 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 जो भी है भाई, कोई भी शगुन है, लेकिन अभी तू मेरी बहन का नाम शगुन बांक, है बांक, बांक। क्या करूँ मैं, अपना भी नाम शगुन रख लूँ और तेरी बहन बन जाऊँ? तू इरिटेट नहीं भरती, तू शूट करके आई है ना, तो मेरे को इरिटेट मत। मिल गया तेरे को सनसनी केस कॉन्टेंट। मैंने ऐसे हाथ किया, डर गया। और चल ठीक है, नहीं डरेगा? चल मेरी तरफ देख दोस्तों, अब देखते रहना ये डरता कि नहीं। शर्याम इसकी आगे करती, अरे हाँ तो शर्याम इसकी आगे करती क्योंकि मैं शूट से आई हूँ, मैं बोला एनर्जी में हूँ, तुम घर में दे, कल तुम जाओगे। शूट कर ले भाई और मुझे सोने दे भारती, 12:30 हो गए, तू मुझे बैठ के क्यों टीवी दिखा रही है? शीला कहाँ हो तुम? पांक, पांक। कैसी है? ठीक है। So guys, मैं घर आ गई हूँ शूट से, सोचा था बच्चा नहीं सोएगा, बच्चे ने मेरा वेट नहीं किया शीला, वो मुंह पे ही बोल दिया यार, वो वीडियो में झूठी बोल दे कि बहुत किया, पर रोया तो नहीं, मुझे मिस नहीं किया, नहीं। खेला हाँ। पूछते तो मम्मा किधर है, तो शूटिंग
शूटिंग शूटिंग करी। सो गाइस शीला जा रही है घर, अभी टाइम है, इसमें पहले ही आपको बता दूं, फिर अचानक से मैं भूल गई ये कब जा रही है, फिर आप कहेंगे कहाँ गई, तो वो शीला जा रही है। सोचा था कि बाबू जाग रहा होगा लेकिन वो सो गया यार, बट कोई बात नहीं है, अभी वो आ जाएगा मेरे पास, फिर मैं फिर रात को दूध मांगेगा, फिर उसको बॉटल दो, फिर दूसरे को बोलता है दुलचा 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 बोलता है, कोई बाहर का बंदा उसके साथ सोए तो उसको पता ना चले दुलचा क्या कह रहा है ना, तेरे को समझ आता दुलचा? अभी समझ आता है, पहले नहीं आता था। शीला कितनी गोरी हो गई है, वाओ तुम हुस्नवरी, तुम जाने जहां। देखते पति क्या कर रहा है। गाइस आप कमेंट बॉक्स में, जब कमेंट बॉक्स होता है जो भी खुला होता है उसमें आप कमेंट करिएगा कि अब देखना जब ये शूट से आएगा ना, मैं इसको कितने प्यार से आंखें बिछा के मिलती हूँ, लेकिन ये मतलब एक होता है ना, कैसा गया शूट, क्या किया तूने, थक गई या कैसा था या कुछ बातें ही नहीं है। ओह नो, कांच तोड़ना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा सर फूटेगा और मेरे घर का टूटेगा, बट ये मुस्कुराता रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे तो प्यार करता है कि नहीं यार, बहुत करता हूं। वाओ अग्रेसिव है देखो। चलिए जी, डांस दीवाने का भी शूट बहुत माइंड ब्लोइंग रहा आज, बहुत 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 अच्छा था। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने नहीं किया कुछ कहना तो सीखिए, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए गाइस, आप लोग करते हो वैसे अच्छे खासे लाइक आते हैं, फ्रेंड ना बन जाता उनका, उनकी फ्रेंड मैं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ डेली, तुम तो बीच बीच में आते हो जैसे सब्जी में धनिया, तू होगी धनिया समझी यार, धनिया से अच्छी हो जाती इसको। चलो यार बाय, फास्ट वर्क आ गया।